हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सबका स्वागत है और आज मेरे साथ है प्रशांत रंजन जी। ये भी मेरे सब्सक्राइबर जस्ट अभी बने हैं, तो उम्मीद है आप लोगों को ब्लॉग पसंद आएगा। प्रशांत जी, कुछ बोलना चाहते हैं? कुछ भी मतलब आपको जो नहीं, ये देवघर के लिए एक नया बहुत अच्छी बात है। ये दो भाई मिल के बहुत अच्छे काम को कर रहे हैं जी, चलिए चलिए थैंक यू। प्रशांत जी बहुत सपोर्टिव थे और उन्होंने उनको मोटरसाइकिल से अच्छा खासा इंटरेस्ट है और हम लोग बस फर्स्ट टाइम मिले और कुछ बातचीत हुई और आपसी तालमेल के बाद बहुत अच्छा लगा इनसे अनुभव बस शेयर करने के लिए और बहुत मजा आया। तो चलिए गाइस, आगे मिलते हैं। प्रेस द बेल आइकन ऑन द यूट्यूब ऐप एंड नेवर मिस अनदर अपडेट। तो अभी जो है सुमित भाई अनबॉक्सिंग कर रहे हैं। मुझे पता है ये बहुत सिंपल प्रोसेस, लेकिन बहुत लोगों को चीर फाड़ और अनबॉक्सिंग करना बड़ा पसंद आता है, तो इसीलिए सोचा कि हम लोग को ये भी डाल दें। और बड़ा ही मासूम तरीके से सुमित भाई अनबॉक्सिंग कर रहे हैं। चलिए आओ, आया दरिंदा वाला रूप। चलिए वाह, तो गाइस यही है ब्लाइंड स्पॉट मिरर, जो अभी मैंने स्टार्टिंग पे आपको दिलाया अपने वीडियो में दिखाया था। तो इसका यूज़ क्या होता है ये मैं बताऊंगा, पर पहले हम इसे इंस्टॉल कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा इसका यूज़ क्या होता है। तो चलिए हम इंस्टॉल करते हैं। इंस्टॉल करने का प्रोसेस बड़ा ही आसान है, बस 10 सेकंड लगेगा। ये जो मिरर है इसके पीछे 3M एडहेसिव होता है, बस वो एडहेसिव को आप सही जगह पर लोकेशन पर चिपका देना है। तो चलिए हम ये अनबॉक्सिंग करते हैं, तब तक मैं आपको बताता हूँ। तो ये कुछ ऐसा इसका है, ये दो ब्लाइंड स्पॉट मिरर है। देखने से लगेगा कि नॉर्मल मिरर है, हमारा ऑलरेडी मिरर ये सब होता ही, तो इसका और ज़रूरत क्या है, पर इसका ज़रूरत मैं आपको बताऊंगा। और ये है, तो पहले हमें परफेक्ट लोकेशन चूज़ करना है। जैसे मिरर तो इतना बड़ा एरिया है, तो अब कहाँ पर जैसे हम लगाएं। तो गाइज जैसे एक ये जगह है, यहाँ पर हम चिपका सकते हैं या फिर यहाँ चिपका सकते हैं। अब देखते हैं सुमित भाई को कौन सा अपनी जगह पर एडजस्ट होगा, उससे पहले हम देख लेंगे कि हाँ लगता है, सही लगता है, उसके बाद हम लगाएंगे। चलिए आगे। तो ये देखिए, ये दो मिरर अनरैप करने के बाद निकला है और ये पीछे में 3M टेप है। अब सबसे बड़ा खेल होता है सही लोकेशन पे चिपकाने का। तो जैसे कि ये मिरर है, इसका तो पूरा काम हो ही गया, तो आप बोलोगे ये मिरर किस काम का है। ये मिरर मैं आपको बता रहा हूँ किस काम का था। अगर हम इसको ऐसा होता है कि जब हम बाइक चला रहे हैं, तो यहाँ फोकस की जगह पर ये जगह पर हम बाइक चला रहे हैं, इतना पोर्शन तो हमें दिखता है, पर यहाँ का जो पोर्शन होता है ये हमारे कंधे के वजह से या शोल्डर के वजह से कोहनी के वजह से ढक जाता है। तो जिसके वजह से हम देख नहीं, आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे स्क्विड्स होते हैं जो कि एकदम सटा के बस निकलते हैं बाइक, और उस समय आप अचानक से हिल जाते हैं, तो वो कवर अप नहीं पाता। तो उसको कवर अप करने के लिए ये मिरर काम आता है। तो जैसा कि सुमित भाई का जो कोहनी है वो यहाँ पर आ रहा था, तो उनका यहाँ पर लोकेशन है, तो हम यहाँ पर चिपकाएंगे इसको। तो ये जो डिजायर्ड पोजिशन है यहाँ पर आगे चिपक जाएगा, और अब आप देख पा रहे हैं कि यहाँ से सुमित भाई का दिख रहा है, जो कि ऐसे में नहीं दिख रहा था, लेकिन इसमें देखिए सुमित भाई दिख रहे हैं, लेकिन ऐसे नहीं दिख रहा, ऐसे नहीं दिख रहा, ऐसे में देखिए दिख रहा है, ऐसे मिरर में नहीं दिख रहा, ऐसे में दिख रहा है, बस यही इसका यूज़ है। चलिए तो हम इसको चिपकाते हैं, चिपकाने मैग्नीफाई करता है, और मैग्नीफाई करता है क्योंकि ये कन्वेक्स मिरर है, कन्वेक्स मिरर है। अब इसको पोज देना है, पहले जो भी डट्स वगैरह है, क्योंकि आप डिजायर्ड पोजीशन पे लगाओगे तो इसको पोछना है, दोनों मिरर को उसी तरह वाइस वर्सा पोछ लें। अब पोछने के बाद हमें बस ये 3M टेप जो है ये उखाड़ना है। तो ये पोजीशन डिजायर्ड पोजीशन सही है, तो सुमित जी यहाँ पे अभी चिपका रहे हैं, और 3M टेप लगा हुआ, तो बस चिपका के कस के दबा के प्रेस कर देना है, बीच में दबे ना, कोई दिक्कत नहीं, बीच में ऐसे पूरा थम दबी है ना, जैसे पाम पाम। हाँ, तो ये फिक्स अब हो गया, ये वो खड़ने वाला है नई चीज़। अब ये बहुत कोई ताकत लगा को खड़ेगा तो ये उखड़ेगा, नहीं तो नहीं उखड़ेगा। ये एक पोजीशन है, वाइस वर्सा राइट तरफ भी उसी तरह से लगा देंगे हम। तो ये मिरर स्पॉट कुछ इस तरह से लगता है देखने के बाद, तब राइट साइड भी उसी तरह से लगेगा दोस्तों, वाइस वर्सा जैसे उसमें लगा हुआ लेफ्ट में, तो उसी तरह पोजीशन सेट करके आपको बस लगा देना और कस के दबा के चिपका देना है। सही है पोजीशन देखे तो, बस एकदम सही है, एग्जैक्ट, हाँ एग्जैक्ट सही है। मोगैम्बो खुश हुआ एकदम, मिशन सक्सेसफुल है, हैंडल सीधा कीजिए। तो ये कुछ ऐसा लगेगा दोस्तों ब्लाइंड स्पॉट मिरर, और आप देख सक रहे हो कि डिफरेंस समझ में आ रहा है यहाँ पे।
तो ये ठीक लग गया एकदम एग्जैक्ट। डिफरेंस भी दिखा दीजिए। तो ये देखिए गाइस, डिफरेंस अब समझ में आएगा। जो प्लेन हमारा नॉर्मल मिरर था और इस मिरर में दोनों को फोकस करने में पता चलेगा कि ये थोड़ा ज़्यादा स्मॉल एरिया पर ज़्यादा कवर कर रहा है, वही चीज़ वाइस वर्सा राइट तरफ भी हो रहा है। अब इसका फ़ायदा ये है दोस्तों कि हाईवे वगैरह में या फिर जो स्पीड्स वगैरह जो बहुत क्लोजली अगर निकलते हैं, इनकाउंटर्स जो होता है, तो वो इस मिरर में दिखेगा जो कि इस मिरर में पहले नहीं दिखता था। ब्लाइंड स्पॉट मिरर का यही फायदा है। और दूसरा फायदा है, जब आप लेन स्प्लिट करते हो या लेन चेंज करते हो हाईवे पे, तो भी आपको आसानी होगी, अपने नज़दीक से कोई अगर ओवरकम व्हीकल आ रही तो उसमें दिख जाएगी। तो ये सबसे बहुत मेजर चीज़ है दोस्तों। तो इसका प्राइस दोस्तों ज़्यादा कुछ नहीं है, 219 रुपीज़ शिपिंग चार्जेस जोड़ के। और अगर आप दिल्ली वगैरह से कहीं करोल बाग से लेते हो तो 500 रुपये मिल जाएगा, लेकिन हम लोग यहाँ पे तो अवेलेबल नहीं है, तो हम लोग शिपिंग चार्ज वगैरह लेके 219 रुपये। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। अगर हेल्पफुल लगा है तो लाइक करना ना भूले, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूले। सो गाइस, बाय बाय, टेक केयर, राइड हार्ड एंड राइड सेफ।